व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो देखते ही देखते महीने का आखिरी दिन आ चुका है, आज है 31 अगस्त। कैसा रहा आप लोगों का ये महीना और किस तरीके से आप लोगों ने इफेक्टिवली इसको यूटिलाइज किया है वो आप लोग अपने आप को एनालिसिस कीजिए, और कहां पर क्या प्रॉब्लम और क्या कमी रह गई है उसको आप लोग आगे देखकर चलिए। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिए, तो क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का टाइम कैसे गुजर रहा है और किस तरीके से आप लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस लेवल की तैयारी आप लोगों की हो जाएगी डेली यहां पर प्रैक्टिस कर कि एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में बात की जा रही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अगर आप लोग देखते हैं, इसको WFP के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में। सबसे पहले बोला गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यहां पर ये फूड असिस्टेंस ब्रांच है वर्ल्ड बैंक की, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एड्रेस करती है हंगर और जो प्रमोट करती है फूड सिक्योरिटी को। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीका मानवीय संगठन है जो कि भूखमरी को किस तरीके से रोका जा सकता है उसके बारे में फोकस देकर चलता है। एम इसका यहाँ पर यह भी रहता है कि किस तरीके से जो डिजीज है, इनके बीमारी है, उसको कंट्रोल करना है, जैसे HIV और एड्स वगैरह तक का यहाँ पर कंट्रोल करने की बात करते हैं यहाँ पर ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सही स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 only, डी में बोला गया 2 और 3। सही आंसर क्या है? A, B, C या फिर D? सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में गलत क्या है? तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आप लोगों से ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहाँ पर किसकी ब्रांच है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहाँ पर यूनाइटेड नेशन यानी कि UN की ब्रांच है, और UN में कितने मेंबर है? टोटल 193 मेंबर है। तो यहाँ पर जो पैसा आता है इसके लिए, बेसिकली जो अलग अलग जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, इसी के साथ में कॉरपोरेशन, प्राइवेट डोनर, तो यहाँ से पैसा निकल कर आता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अलग अलग जो साधन है वहां से पैसा इकट्ठा किया जाता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो था ये बोर्न किया गया था, यानी कि पैदा हुआ था, यानी कि बनाया गया था 1961 में। 1961 में विजन ये था कि कोई पर्सन या फिर वुमेन या फिर बच्चा कम से कम एक लाइफ जीने के लिए जो खाने की जरूरत होती है, तो कम से कम इतना खाना उस पर्सन को प्रोवाइड कराया जा सके, ये बेसिक थीम थी। कहने का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो कोई पर्सन भूखा ना सोए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल सेकंड है जीरो हंगर के बारे में बात करता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जीरो हंगर यानी कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, तो ये भी यहां पर आप लोग इसको नजर डाल सकते हैं। बाकी ये सारी बातें हैं यहां पर, ये HIV प्रॉब्लम, ये सारी चीजों को भी यहां पर टैकल करने की कोशिश करता है वर्ल्ड लेवल पर। आंसर डी हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक तरीके यहां पर ये कैंपेन है जो कि अवेयरनेस फैलाने के लिए यहां पर यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं हर मेड पर पेड। तो यहां पर ये कैंपेन किससे लीड है? पहली बात की जा रही है इंक्रीज डेंस फॉरेस्ट कवर एरिया, इनके फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए, प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तीसरा बोला गया ट्री प्लांटेशन विद एग्रीकल्चर क्रॉप, चौथा बोला गया इंक्रीजिंग बायोफ्यूल प्रोडक्शन। तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है आप लोगों के हिसाब से? A, B, C या फिर D? सही आंसर है यहां पर इसका सी। देखिए, हमारी कंट्री में एक टारगेट है कि 2022 तक हम लोगों को किसानों की इनकम डबल करनी है, तो किसानों की इनकम डबल करने के लिए अलग अलग साधन सजेस्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उनमें से एक साधन ये भी है, अगर कोई खेत है, खेत में आप लोग कोई सामान उगा रहे हैं, तो उस खेत में आप लोग सामान उगाइए, पर लेकिन जो यहां पर इसकी जो मेड होती है, यहां पर जो बेसिकली ये पर्टिकुलर एरिया होता है, वहां पर आप लोग पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाकर मान लीजिए जब वो बड़े हो जाएंगे, काट कर उनको बेचा जा सकता है, फल फ्रूट आएंगे तो उनके फल फ्रूट बेचे जा सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव इनकम प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है किसानों को। तो किसानों को यहां पर प्लांट, यहां पर प्लांटेशन विद एग्रीकल्चर क्रॉप, तो इससे फायदा ये होगा कि एक एक आप लोग बोल सकते हैं एक साइड में होने के तो एक जो पार्ट टाइम जॉब टाइप की बोल देते हैं आप लोग, कि यहां थोड़ा पैसा मिल जाएगा, तो यहां से भी कम से कम किसानों को कुछ फायदा हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कैंपेन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात करें एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में। तो एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी EPCA, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है और बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा क्वेश्चन यहां पर करेक्ट है यह आप लोगों को बताना है। तो इसके बारे में पहली स्टेटमेंट बोली जा रही है EPCA यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जिसका ऑब्जेक्टिव ये है प्रोटेक्ट करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए जो क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट होता है, और कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन। तो इसके लिए यहां पर इसको बनाया जाता है कंट्री में, यानी कि कंट्री में यहां पर बेसिक फोकस ये रहता है कि इसको कंट्रोल किया जा सके, इसके तहत ये बनाई गई है। ये जो नोटिफाई करती है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में अंडर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 यानी कि 1986 का, उसके हिसाब से इसके द्वारा काम किया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर क्या है?
ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो ये बॉडी है बेसिकली जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी है, इसका बेसिक पर्टिकुलर एरिया होता है, यानी कि ये एरिया वाइज होती है। जैसे यहां पर जो बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ये नेशनल कैपिटल रीजन के लिए यहां पर बनाई गई है, ना कि पूरी कंट्री के लिए। तो ये पूरी कंट्री का नाम यहां पर ले दिया गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। जो भी यहां पर पर्टिकुलर रीजन के लिए यहां पर जो बातें आती हैं, तो कोर्ट ने बोला था बेसिकली यहां पर कि पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन में, दिल्ली के रीजन में, हरियाणा के रीजन में, फिर किसी पर्टिकुलर और रीजन में कहीं ज्यादा पॉल्यूशन है, तो उस पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए आप लोगों को फोकस देकर चलना है। बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में सब्जेक्ट है, जो भी आप लोग तैयारी करें, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस देना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वीक है, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, उसके अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया नोटिफाई किया जाता है। आंसर बी हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, यहां पर डायरेक्ट भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि जो दीक्षा आरंभ प्रोग्राम है, ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है। तो चार स्टेटमेंट है, सही आंसर आप लोगों को बताना है। दीक्षा आरंभ जो प्रोग्राम है वो रिसेंटली अभी न्यूज में था, एक एक कर स्टेटमेंट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी, यहां पर उनका फर्स्ट जो प्रगति जो मीटिंग हुई इन सेकंड टर्म, तो उसको बोला जा रहा है दीक्षा आरंभ, ठीक है, यानी कि प्रगति मीटिंग को यहां पर दीक्षा आरंभ बोला गया, जो पहली मीटिंग हुई। दूसरा बोला है लॉन्च किया गया अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, उसको दीक्षा आरंभ बोला जा रहा है। तीसरा बोला जा रहा है लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक बस ऑफ इंटरसिटी, जो फोर इंटरसिटी ऑपरेशन, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी में, उसको दीक्षा आरंभ बोला जा रहा है। तीसरा बोला जा रहा है गाइड है यहां पर, एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी गाइड है स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन इन प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम होता है उसमें अगर नया स्टूडेंट कोई स्टार्ट करता है वहां पर, तो उसको दीक्षा आरंभ बोला जा रहा है। ए बी सी एफ डी, सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर है इसका यहां पर डी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसके द्वारा दीक्षा आरंभ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। जैसे आप लोग इसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझो, मान लीजिए कोई बच्चा है और वो यहां पर अपनी ट्वेल्थ पास कर ग्रेजुएशन में जाता है, तो ग्रेजुएशन में जब वो जाता है तो कई बार रैगिंग होती नजर आती है और कई सारी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, तो किस तरीके से उसको एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया जाए ताकि बच्चों के साथ में, खासकर फैकल्टी के साथ में, एक दूसरे के साथ में मिलकर एक इस तरीके से कनेक्ट कर सके, उनको वहां पर अनकंफर्टेबल फील ना करे, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील ना लगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर यह दीक्षा आरंभ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, खासकर बच्चों को गाइड करने के लिए, बच्चों को कंफर्टेबल फील कराने के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एससीओ, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, ये आप लोगों से पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल, यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2001 में बनाई गई थी। पहली स्टेटमेंट है यहां पर ये। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ऑल एशियन कंट्री आर द मेंबर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी स्टेटमेंट है यहां पर बिश्केक डिक्लेरेशन वाज फाइनलाइज्ड इन 19th संघाई कॉर्पोरेशन समिट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया वन एंड थ्री, सी में बोला, ए में बोला गया वन एंड टू, बी में बोला गया वन एंड थ्री, सी में बोला गया टू एंड थ्री, डी में बोला गया वन टू एंड थ्री। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका यहां पर बी, यानी कि वन एंड थ्री स्टेटमेंट सही है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी 2001 में, ठीक है, तो ये फाउंड की गई थी, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार नेटो, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उसका अल्टरनेटिव इसको देखा जाता है एशियन वर्ल्ड में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर है। ऑल एशियन कंट्री मेंबर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये पॉसिबल भी नहीं है कि सारी एशियन कंट्री यहां पर इस तरीके से मेंबर हो, फिर तो फिर एक अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ये बन जाती। सारी एशियन कंट्री यहां पर मेंबर नहीं है, कौन कौन सी कंट्री है वो भी बात करेंगे। पहले आप लोग बात करिए यहां पर बिश्केक के बारे में। बिश्केक डिक्लेरेशन जो 19th ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग देखने को मिली थी यहां पर किर्गिस्तान में, ये यहां पर बिश्केक डिक्लेरेशन अभी निकल गया। इसी में यहां पर कई सारी बातें बोली गई थी जो पाकिस्तान के बारे में कि हां आप लोगों को भी टैकल करके चलना है टेररिज्म जैसी एक्टिविटी को, तो और भी कई सारी बातें यहां पर निकल कर आई थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह बनता है, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, दोनों के द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ में ज्वाइन किया गया है, ठीक है, तो ये भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस कंट्री के साथ में हमारे साथ में ज्वाइन किया गया, क्या पाकिस्तान भी इसका मेंबर है? हाँ, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। हम लोगों को रशिया ने सपोर्ट किया है और पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट किया है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं लंगोटिया यार है, जैसे पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आप लोग बात करते हैं। तो
अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके मेंबर के बारे में। टोटल मिलाकर आज के डेट में आप लोगों को 8 मेंबर नजर आएंगे, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 4 ऑब्जर्वर हैं जो कि आने वाले टाइम में मेंबर बनेंगे, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। खासकर अगर बात करें ईरान और अफगानिस्तान, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है जो कि आने वाले टाइम में जल्दी इसके मेंबर बनते हुए नजर आएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशियन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो ये कई सारे क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। और देखिए एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, पर लेकिन जो हेडक्वार्टर है वो यहां पर कहां पर है इसका, वो है बीजिंग के अंदर, ठीक है, चाइना की कैपिटल बीजिंग। शंघाई एक इंपॉर्टेंट सिटी है चाइना की, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है जिसको बोला जा रहा है यहां पर विंडरस स्कीम, विंडरस योजना। ये किससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, रसिया, चाइना, जापान या फिर यूके, ए बी सी एफ डी। ये जो लोग रिलेटेड है यहां पर, ये है यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। बेसिकली है क्या, देखिए कॉमनवेल्थ कंट्री उन कंट्री को बोलते हैं जो काफी लंबे समय तक ब्रिटेन के द्वारा रूल किया गया है। इंडिया और चाइना भी यहां पर इसका कॉमनवेल्थ का पार्ट है क्योंकि इनके ऊपर भी रूल किया गया है। तो यहां पर विंडरस जो स्कीम है, यहां पर ये यूके के होम सेक्रेटरी थे जिनके द्वारा पर्सनल अपोलोजी यानी कि माफी मांगी गई है, क्योंकि हुआ क्या था बेसिकली यहां पर बहुत सारे जो माइग्रेंट है उनको यहां पर डिनाई कर दिया गया था सिटीजनशिप देने के लिए और एक तरीके से एंट्री करने के लिए भी यहां पर यूके के अंदर। तो खासकर ये कॉमनवेल्थ के जो लोग थे, जो उनके बच्चे थे खासकर, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। तो उसके चलते इस इश्यू को लेकर यहां पर ये स्कीम लाई गई थी ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके और उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, उसको विंडरस स्कीम का नाम दिया गया। तो यूके से रिलेटेड है और यूके ही वो कंट्री है जो ब्रेग्जिट यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की बात कर रहा है। तो ब्रिटेन एग्जिट हो रहा है यूरोपियन यूनियन से, जिसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। तो 28 मेंबर हैं, अगर ये निकल जाएगा तो 27 मेंबर यहां पर रह जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, देखिए ऐसा बात नहीं है कि ये बाहर निकलेगा अभी, ये स्टार्टिंग से मेंबर है, स्टार्टिंग से मेंबर नहीं है, बीच में ही इसके द्वारा ज्वाइन किया गया था और आप बीच में ही यहां पर ये छोड़कर जा रहा है, तो फाउंडिंग मेंबर यहां पर नहीं है। तो इस तरीके से भी कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर है, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट यहां पर किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला जा रहा है स्ट्रेटजी है टू प्रिवेंट करने के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा बोला जा रहा है प्रोवाइड कराने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल इंडिविजुअल। तीसरा बोला जा रहा है इंटरकनेक्टिविटी अमंग ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंट हेल्थ। प्रायोरिटाइजेशन किया जा रहा है यहां पर जो ह्यूमन हेल्थ है ओवर एनिमल हेल्थ, यानी कि एनिमल हेल्थ से ज्यादा ह्यूमन हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर है यहां पर इसका सी। देखिए क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग समझेंगे तो तब आप लोगों को और पता चलेगा। आज के में आप लोग जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में आप भी हैं, उस इन्वायरमेंट में एनिमल भी हैं और उस इन्वायरमेंट में ह्यूमन भी हैं। तो अगर इन्वायरमेंट में कोई गड़बड़ होगी तो एनिमल के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा और ह्यूमन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। इन्वायरमेंट में कोई बीमारी होगी तो इंसानों के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, जानवरों के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हैं। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, यानी कि सबको सही रखा जाए, ह्यूमन को भी, एनिमल को भी, और जो एक तरीके से जो हेल्थ है इंसान की, एनिमल की और इन्वायरमेंट की, सबको ध्यान में रखकर यहां पर फोकस दिया जाए, इसको बोला गया वन हेल्थ, इसको बोला गया वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑफ एनिमल हेल्थ, कॉमनली जिसको OIE बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको यहां पर बेसिकली अगर आप लोग फ्रेंच वर्ड में यूज करते हैं तो ये है यहां पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, इसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट यहां पर निकाला गया कि हम लोग को सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। मिनिमम जो एज है यहां पर पंचायत में आप लोगों को, यहां पर अगर यहां पर पंचायत में आप लोगों को एज ए उठना है, प्रधान वगैरह बनना है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी मेंबर टू बी द मेंबर ऑफ पंचायत, ये 25 ईयर है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है पंचायत जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है आफ्टर प्रीमेच्योर डिसॉल्यूशन। तो यहां पर ऐसा होगा, मान लीजिए यहां पर भी पंचायत कोई है और एक साल के अंदर ही वो डिसॉल्व हो गई, तो फिर बचे हुए टाइम के लिए वो बनाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से चलेगी, ये बोला जा रहा है। रिमाइंडर पीरियड है उसके लिए, उसको बनाया जाएगा। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी बोला जा रहा है टू ओनली, सी बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू, डी बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो आंसर है यहां पर इसका आंसर हो गया बी। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं क्या बातें की जा रही है, ये इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। सबसे पहले तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए आप लोग की वो 21 साल होनी चाहिए, तो जो 25 साल बोला गया है वो गलत है। दूसरा 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में उसको लेकर यहां पर पंचायत आई, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसको लेकर म्युनिसिपैलिटी आई, दो बात ये याद रखिएगा। तीसरी बात जो यहां पर है,
जी अगर यहां पर मान लीजिए पंचायत का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है, ठीक है, 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहे हैं, अगर 1 साल बाद यहां पर जो पंचायत में यहां पर अगर 1 साल बाद यहां पर डिसॉल्व हो जाती है तो फिर यहां पर जो फिर से इलेक्शन होंगे वो बचे हुए टाइम पीरियड के लिए होंगे, 2 साल बाद डिसॉल्व हो जाते हैं तब भी बचे हुए टाइम पीरियड के लिए होंगे, अगर ओनली 6 महीने बचे हुए हैं और तब डिसॉल्व हो गई तो फिर यहां पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि अगर 6 महीने ओनली बचे हुए हैं तब डिसॉल्व हो जा रही है तो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, बाकी इससे पहले अगर टाइम बचा हुआ है तो फिर यहां पर रिमेनिंग टाइम के लिए यहां पर वो इलेक्शन कराए जाएंगे, पूरे टाइम के लिए नहीं कराए जाएंगे। तो ये हमारी पंचायती राज सिस्टम का बेसिक प्रोविजन है, आंसर बी हो गया। आगे बढ़ता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहां पर प्रोजेक्ट ये सशक्त के बारे में, तो प्रोजेक्ट जो सशक्त है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोला जा रहा है यहां पर पर्सनलाइज जो यहां पर एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है थ्रू द सोशल और कम्युनिटी सर्विस, दूसरा बोला जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर फैसिलिटी है टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और देयर फैमिली, तीसरा बोला गया वन टाइम कैश इंसेंटिव है प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशन होम बर्थ, जो अगर किसी स्किल असिस्टेंस के थ्रू यानी कि अगर यहां पर बर्थ होता है तो कोई स्किल असिस्टेंस यहां पर होना चाहिए, गांव में देखा होगा बच्चे पैदा होते हैं दाई यहां पर काम करती है तो स्किल्ड होना चाहिए उसको, स्कीम एम करने के लिए स्ट्रेंथन क्रेडिट जो कैपेसिटी होती है क्रेडिट कल्चर और क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, तो सही आंसर यहां पर क्या है ए बी सी एफ डी, सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि प्रोजेक्ट जो सशक्त है वहां पर वो इसलिए है ताकि हमारी कंट्री में देखिए क्या होता है, खासकर अगर बैंक से कोई लोन लेने जाता है एक तो सबसे पहली बात ये आसानी से लोन नहीं मिलता है, ठीक है, दूसरी बात यहां पर ये बहुत सारे लोग बैंक से लोन भी लेने नहीं जाते हैं, तो किस तरीके से हम लोग एक तरीके से ऐसा काम कर सकते हैं ताकि लोग यहां पर बैंक से लोन लेने भी जाएं और बैंक आसानी से लोन भी दे सके, तो उसको सशक्त करने के लिए ताकि जो क्रेडिट कैपेसिटी है बैंक की वो बढ़ाई जा सके, क्रेडिट कल्चर बढ़ाई सके, यानी कि बैंक से लोन लेने वाले और लोन देने वाले दोनों यहां पर अच्छी सी चीजों को एंजॉय करें और एक तरीके से आप लोगों को यहां पर लेके चलना है सार्वजनिक तरीके से इस योजना को आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो इस तरीके से जब पोर्टफोलियो होता है ना कि हाँ ये इस मिनिस्टर के पास में कौन सा पोर्टफोलियो है कि होम मिनिस्ट्री है, तो इस तरीके से पर्टिकुलर फील्ड में यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक को इंप्रूव हम लोग को करना है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट सशक्त यहां पर। ओके आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा चुका है यहां पर, ये लाइफ आई के बारे में, लाइफ आई आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा वाईफाई जैसा, ठीक है, उसी से कनेक्टेड है यहां पर, ये लाइफ आई रिसेंटली अभी न्यूज में था, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए, ये लाइट को यूज करता है एज ए मीडियम ये हाई डेटा को जो हाई डेटा स्पीड है उसको ट्रांसमिशन करने के लिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी है यहां पर जो सेवरल टाइम फास्ट है वाईफाई से, सही स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉर 2, तो जो सही आंसर है वो इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लाइफ आई यहां पर है लाइट फिडेलिटी, यानी कि एक तरीके से लाइट के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, और लाइट आप लोगों को पता है काफी हाई स्पीड से चलती है तो इसलिए जो इसकी स्पीड है वो भी अगर आप लोग कंपेयर करेंगे वाईफाई के साथ में तो वाईफाई से 10 से लेकर 100 गुना फास्टर तक आप लोगों को देखने को मिलेगा ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मीडियम माना जा रहा था और वेरी सिक्योर तरीके से भी इसको देखा जा रहा था, यानी कि कोई इंटरफेयर भी नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों बातें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपीएससी के अंदर पुराने पेपर आप लोग उठा के देखेंगे तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आप लोगों का वो होगा द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन, तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और अगर अच्छा लगता है तो चीजों को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसका फायदा पहुंचाया जा सके, देखिए एजुकेशन जो जितना आप लोग बांटेंगे ना जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए चीजों को जरूर बढ़ाइए, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।